all of you join your hands, close your eyes. Yes, join your hands, close your eyes. Sairam beta, Sairam. सबको हाथ जोड़ना है, आईज क्लोज करना है. जाओ बेटा, पहले अपने माइक बंद कर लीजिए सारे बच्चे. यस आकाश, माइक बंद करो. जेनिका, ओके मैम. यस बैक स्ट्रेट, सबकी बैक स्ट्रेट रहेगी. यस वेरी गुड. साईराम बेटा, साईराम, 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 साईराम मैं आपको, साईराम, साईराम बेटा, साईराम, साईराम बेटा, आज मुझे लग रहा है सारे बच्चे बहुत खुश होंगे, है ना? क्योंकि उनका क्या है आज, क्या है आज, सबको क्या करना है? तो एक बात का ध्यान रखना है सारे बच्चों को, अभी आप क्लास वन में आए हो इसलिए सबको पहले अपना नाम, क्लास और जो कविता है यस बेटा, निखिल माइक बंद करो अपना, जेनिका माइक बंद करो प्लीज. पूछ के आवाज लगाना चाहिए क्या मशीन? अगर हाँ, आराध्या कोठारी माइक बंद करो प्लीज बेटा एक मिनट के लिए. यस यस, तो अभी आपको आइडिया नहीं है ज्यादा, मैं बता देती हूँ कि पहले सारे बच्चे अपना नाम बताएंगे, किस क्लास में पढ़ते हैं, है ना, और कविता का नाम क्या है, और पूरे एक्शन के साथ आपको पूरे चेहरे पर अपने पर स्माइल, कहाँ पर आप कैसा बात कर रहे हो, अपने हाथों के एक्शन, वो सब आपको करके अपनी कविता को सुनाना है. ठीक है बेटा, ओके. और बीच में मीटिंग लीव नहीं करना है, है ना, क्योंकि मैं बार बार एक बच्चे को फिर चांस नहीं दूंगी, जो बीच में से चला जाएगा ना या एब्सेंट होगा, फिर उसको आज चांस नहीं मिलेगी. उसको जब सारे बच्चों के, पूरे बच्चों की कविता सुनाने का हो जाएगा, उसके बाद ही फिर उसको चांस मिलेगी. इसलिए कोई भी बीच में से लीव नहीं करना, ओके. और कोई बीच में ये नहीं बोलेगा कि मैम मेरी चांस कब आएगी, मैम मेरी चांस कब आएगी, क्योंकि मैं लाइन से, मुझे सारे बच्चों की सुनना है, दोनों क्लास की, सारे बच्चों की सुनना है, और आराम से शांति से पूरी सुनना है जितनी आपने याद की है. ऐसा नहीं है, फॉर्मेलिटी नहीं करना, ये आपका टेस्ट है कविता सुनाने का. इसलिए सारे बच्चों को बहुत अच्छे से सुनाना है, ध्यान से सुनाना है और खुश होकर सुनाना है ना, डरना नहीं है, बिल्कुल खुश रहना है, जैसा है, जैसा आपको आ रहा है वैसा आप सुनाएंगे. ठीक है ना, तीन चीजों का ध्यान रखेंगे, क्या, अपना नाम बताएंगे, फिर क्लास बताएंगे, और आपकी कविता का नाम क्या है, उसका शीर्षक क्या है, मीन्स टॉपिक क्या है, वो बताएंगे. ठीक है ना, अभी हमारे बहुत कम बच्चे आए हैं, देखो 32 ही बच्चे आए हैं अभी हमारे. सबको टाइम पर आ जाना चाहिए ना, अगर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं हम, कुछ नया सीखने को आए हैं आज, तो बहुत अच्छा लगेगा सारे बच्चों को, क्योंकि सारे बच्चे सभी बच्चों की कविता सुनेंगे कि कौन कैसे बोल रहा है ना, और आपको भी याद हो जाएंगे, जो दूसरे बच्चों ने याद की है ना कविता, वो सारी कविताएं फिर आप लोगों को भी याद हो जाएंगी, सुन सुनकर याद हो जाती है ना कि हमारे फ्रेंड ने ये बोली, हमारे दोस्त ने ये वाली बोली, तो आप फिर बाद में क्लास के बाद में भी फिर मम्मी को सुना सकते हैं, है ना.
तो अभी हम 1-2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद में हम अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं, ठीक है ना? यस। तो सारे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ पे। कविता किस बेटा? मैम बोलो। मैंने मैंने है ना मम्मी वाली कविता याद करी है। माँ की कविता याद की है आपने, माँ के ऊपर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यस, आप सबको नई नई कविता याद करनी थी, ऐसे नहीं कि LKG UKG का आप लोग याद किया हुआ बोल रहे हो। अब आप क्लास वन में आ गए हो तो आपको हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सबने न्यू न्यू कविता याद की है ना? और बुक में से भी किसी ने नहीं की होगी, अपनी जो हिंदी की बुक है उसमें से भी, क्योंकि मैंने मना कर दिया था इसलिए सारे बच्चों ने बुक से बाहर ही याद की होगी ना, बुक में से। मैंने मम्मी पापा की कविता पढ़ी है। वेरी गुड, यस, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, अब हमारे 38 बच्चे हो गए हैं। यस बेटा। मैं भूल गई थी कविता याद करना, मैंने भूल गई थी बेटा। बुक में से किया आपने, हिंदी की बुक से? तो आप बुक का नहीं करना था, मैंने बोला था और मैसेज में भी लिखा था मैंने कि बुक की आपको कोई याद नहीं करनी है। चलो देखते हैं आज आपकी टर्न आती है कि नहीं आती है, नहीं तो फिर आप दूसरी कर लेना, ठीक है ना? ओके बेटा, चलिए। तो अब मैं सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि सारे बच्चे बहुत अच्छी कविता बोलेंगे, बहुत अच्छे से सुनाएंगे, डरेंगे नहीं। ऑल द बेस्ट। ओके ओके। तो अब हम अपनी कविता वाली एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। ओके बेटा, अब सबके माइक बंद रहेंगे, केवल वही बच्चा माइक खोलेगा जिस बच्चे का नेम मैम बोलेंगी। ओके बेटा, यस, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। चलिए, सबसे पहले है हमारी आराध्या कोठारी। यस आराध्या कोठारी, अपना माइक खोलो। माइक खोलो। यस बेटा, डरो नहीं बिल्कुल। यस बोलो, कविता बोलो। मैं भूल गई मैम। भूल गए? हाँ। कोई बात नहीं, जैसे आ रही है वैसे बोलो, याद करो उसको एक सेकंड। याद नहीं आ रही, याद नहीं आ रही। चलो आप याद कर लो, जब तक मैं दूसरे बच्चों को चांस दे रही हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है ना, इसलिए आप याद कर लो आराध्या। यस, ठीक है, ओके। सेकंड, मैं एक बच्चा इधर से लूंगी, एक बच्चा इधर से लूंगी, मतलब एक बच्चा लूंगी ए में से, एक बच्चा लूंगी बी में से, ठीक है? अभी मैं बी में से बोलूंगी। अब आकाश सैनी। आकाश, आकाश सैनी। और ये अर्जुन, आप बार बार ये मोजी मत भेजो, क्या करते रहते हो आप? अब नहीं करना आज के बाद, ठीक है? सॉरी मैम। ओके, चलिए आकाश, आकाश सैनी। यस मैम। यस बेटा, कौन सी कविता याद की है आपने, सुनाओ। तितली वाली। यस, तो पहले अपना नाम बोलना है, क्लास बोलना है ना, और कविता का टॉपिक बोलना है, फिर आपको कविता स्टार्ट करना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। लास्ट बी, यस बोलो। आगे चढ़ी सीट ना मिली तो रोने लगी, मैंने बोला अगर मेरे पास ये राज गरमास मेरा घर है पास। यस, और भी है क्या आगे? नहीं आगे नहीं है। और
यस, वेरी गुड। आकाश ने तितली वाली कविता आपको सुनाई बहुत अच्छे से। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड बेटा। ऐसे ही अच्छे से याद करना है और एक्शन के साथ भी बोलना है, ठीक है। अब है हमारा आरुष। आरुष, कल बोल देंगे बेटा, ऐसे नहीं। आपको तो मैंने 3 दिन पहले ही बता दिया था सब बच्चों को, और परसों मैंने मैसेज भी किया था, क्लास में भी बताया था। 3 दिन में भी आप लोगों ने याद नहीं की? मैंने नहीं याद की थी। मैंने, ये कौन बोल रहा है? आरुष, आपने याद नहीं की? नहीं मैम। ठीक है, तो याद कर लेना, ठीक है ना? पक्का। आराध्या कोठारी, अब याद आ गई क्या आपको? मैं सुना दू? नहीं, बीच में से कोई नहीं बोलेगा, मैंने मना किया है ना, बीच में कोई किसी को नहीं बोलना है। आराध्या कोठारी, आपको कोई में याद आ गई क्या कविता? नहीं आई, आई थिंक शी लेफ्ट। ओके, इसके बाद में है अब आरुष, याद कर लेना पक्का, है ना? लेकिन अब कोई बच्चा ऐसे नहीं बोलेगा कि मैंने याद नहीं की। निखिल, माइक बंद करो अपना, माइक खोल लिया आपने। चलो, आराध्या पंत, आराध्या पंत। यस यस बेटा, आपने याद किया कविता? नो मैम। आपने क्यों नहीं किया याद कविता? मैसेज भी भेजा था मैंने व्हाट्सएप पर, और क्लास में भी बताया था उस दिन मैंने आप लोगों को वेडनेसडे को, मतलब 3 दिन पहले ही मैंने बता दिया था, फिर भी आप याद नहीं। बिल्कुल याद नहीं है, तैयारी नहीं की आपने आराध्या? चलो, लेकिन ये गलत बात है सभी बच्चों की, जब मैम काम देती है तो टाइम से करना है। ओके यस, अब है अद्विक शर्मा। यस मैम। यस, आपने याद की अद्विक? नो मैम। गलत बात है, ये सारे बच्चे नो नो बोल रहे हैं क्लास वन में, सबको याद करनी थी। यस, आरशी वेदर। आरशी बेटा। यस मैम। आपने किया याद? यस मैम। यस बेटा, देखो इतनी गुड गर्ल है, वो रेडी होकर आई है, उसने याद की है। यस आरशी, आप सुनाओ बेटा। मेरा नाम आरशी वेदर है, मैं फर्स्ट ईयर पढ़ती हूँ, और मैं सुनाने जा रही हूँ कविता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यस वेरी गुड, सुनाइए बेटा। डर से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही सी चीज बनाना लेकर चलती है, लड़की दीवारों पर कबार चलती है। मन का विश्वास लोगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना गिरकर चलना कहाँ अकड़ता है। आखिर उसकी वेरी गुड बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वेरी गुड, एक्सलेंट बेटा। और है क्या आगे? कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। संघर्ष जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्याग हो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना नीचे जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छी बोली आरशी ने, बहुत अच्छी कविता आपको सुनाई, और उसने बताया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका मतलब क्या है? हमको ट्राई करते रहना चाहिए, कभी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस केवल क्या करना है, कोशिश करना है हमको, ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, एक्सीलेंट आरशी, गुड। मैम मैम। यस बेटा,
यस बोलो। मैंने याद कर ली। आराध्या कोठारी, आपने याद हो गई आपकी? चलो यस सुनाओ। यस बेटा माँ सुनाओ। का घर ही मेरा घर है, माँ के घर में तनिक ना डर है। माँ का घर ही अपना माना, माँ का घर ही जाना पहचाना, माँ का घर है प्यारा प्यारा। यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छी पोइम बोली, बहुत अच्छी कविता सुनाई माँ के ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड आराध्या। मैम यस बेटा वो आराध्या, अब अपना माइक बंद कर लो बेटा। वेरी यस गुड। मैम उसके बाद बीच में माइक नहीं खोलना है रोहन। रोहन ये टेस्ट चल रहा है बेटा, है ना, इसलिए बीच में नहीं खोलना है माइक। सभी बच्चों को लाइन से सुनाना है, जिस बच्चे का नेम मैम कॉल कर रही है उन्हीं को सुनाना है, ठीक है। और सभी को रेडी करके रखना है अपनी अपनी कविता, और पूरे भाव हाव एक्शन के साथ सुनाना है। यस इसके बाद है अक्षल। अक्षल अक्षल सिंह, ओके। इसके बाद है हमारे बीके अनन्या भार्गव। अनन्या भार्गव, अनन्या भार्गव को तो मैंने देखा था अभी। चलिए कोई बात नहीं। यस अनन्या भार्गव, ओके। चलो अर्जुन मीना, अर्जुन मीना, अर्जुन मीना, अभी तो आप मोजी भेज रहे थे, अब कहाँ चले गए यहां से? अर्जुन मीना बेटा, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आरशी रेज योर हैंड, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? अरे यस बेटा, ओके थैंक यू बेटा। यस अर्जुन भी बाहर हो गए। और बात है ये कि जब मैम ने बोला आपको कविता सुनाना है तो आप लोग बाहर हो जाते हो, मीटिंग छोड़ देते हो, ये तो गलत बात है। और वैसे आप लोग बोलते हो कि मैम हमको सुनाना है, हमको सुनाना है ना। चलिए अब हम बीच में नहीं बोलना ज्वलन, ना जब आपकी चांस आएगी ना, आपका भी चांस है ना, सबकी आएगी। अर्जुन के बाद है अभी मैं अंजलि सैनी। युक्ता जब टर्न आएगी तब, ठीक है। अंजलि सैनी, यस बेटा आपको सुनाना है। वीडियो खोलो अपना बेटा को। अंजलि वीडियो खोलो पहले अपना, वीडियो ऑन करो बेटा। वीडियो हेलो। हाँ अंजलि सैनी, पहले आप अपना वीडियो खोलिए, आपका फेस हमको दिखना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा हमको और सारे बच्चों को कि आप कैसे सुना रहे हो। ओके वेरी गुड। आपने एलकेजी की पोएम बोली बेटा, आपने अभी कोई नई कविता याद नहीं की अंजलि? आप कोई नई कविता भी याद करके रखना अपनी, ठीक है। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मछली का जीवन ही पानी होता है, ये सबको पता है ना। यस वेरी गुड। अब आकाश अपना माइक बंद कर लो बेटा। मैम भजन सुना दे। भजन नहीं बेटा, भजन नहीं सुनाना है।
अनन्या भार्गव आ गई। चलो अनन्या भार्गव। यस मैम। यस बेटा आपकी चांस। आप अभी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे थे जब हम मैम नेम कॉल कर रही थी आपका, तो चलो आपका टर्न है, अब आप सुनाइए कविता। श्री रामचंद्र के पाल भयो मन, रण भव भव दारुणा, नव कंज लो चले कंज मुख कर कंज पद दारुणा, सर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंगूषण, आजाने गुरु वर चाप धर राम धन सर दूषणम, अति बदति तुलसी दास शंकर, सहज मुनि मन रंजन, मम हृदय कंजन वास गुरु का मान धन सर दूषणम, तुलसीदास शंकर सहज मुनि मन रंजन, मम हृदय कंजन वास कृपा मान धन सर दूषणम। यस बेटा आराध्या भार्गव, ओ अनन्या भार्गव सॉरी, बहुत अच्छा सुनाया आपने राम स्तुति। आपको क्या करना था, कविता याद करनी थी हिंदी की। ये आपने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा सुनाया, लेकिन हमारा कंपटीशन किसका है, टेस्ट किसका है, हमारा कविता का। ये भी आपने बहुत सुंदर सुनाया, कोई बात नहीं है ना, लेकिन आपको कविता भी याद करना है, ठीक है अनन्या? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। ओके वेरी गुड। यस अब है हमारे आ रही बेटा। यस मैम। यस बेटा कविता तैयार की है आपने? यस यस बेटा, वेरी गुड। नाउ योर टर्न। मेरा नाम है मजही ठाकरे। बेटा आ रही, एक मिनट सुनो, पहले बेटा अपना वीडियो खोलो तो मैम को अच्छा लगेगा। मैम वीडियो खुला है? नहीं खुला आपका, केवल ए दिख रहा है मैम को, वीडियो नहीं दिख रहा है। मैम अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है बेटा। यस मेरा नाम, माय नेम इज आर्यही ठाकरे, फर्स्ट क्लास। कोरोना जाओ ना जाओ ना, मोदी जी बना गए तुमको भगाने की दवाई, अगर कहीं बाहर जाओ तो मास्क ग्लव सैनिटाइजर लेके जाओ, अगर कहीं से आओ तो सैनिटाइजर हाथों में लगाओ। यस और आगे है क्या? नो मैम। इतनी है, इतनी है। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आ रही ने कि अभी क्या चल रहा है, कोरोना चल रहा है तो हमको बाहर जाना है तो मास्क लगाकर जाना है, और आके हमको सैनिटाइज करना है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आ रही। यस बेटा अभी हमारा, अब इसके बाद है आ रही के बाद, एक मिनट रुको बेटा। आ रही के बाद है आराध्या शर्मा। आराध्या शर्मा आपकी आएगी ना तब आपसे बोलेंगे चांस, अभी टाइम है बेटा, है ना आराध्या शर्मा। यस बेटा। यस मैम, मेरा नाम है आराध्या शर्मा, मैं हूँ फर्स्ट बी में। अब हाथी राजा बहुत बड़े सुंदर इलाके कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर,
चटर पटर भाई चटर पटर चटर पटर भाई चटर पटर। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया आराध्या, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई, थैंक यू वेरी मच बेटा। यस इसके बाद है अविका, अविका सात्विक अभी नहीं बेटा, आपकी चांस आएगी तब, ठीक है माइक्रोफोन। यस अविका, यस बेटा नाम है अविका गुप्ता, मैं आएगी तेरे पास ही हूं। एक मिनट मेरे कविता का नाम है, एक मिनट रुको अविका, माइक बंद करो पहले, माइक बंद करो, अभी आप सुन पाओगे दूसरे बच्चे की बात। निखिल आप भी बंद करो अपना माइक, निखिल माइक बंद करो अपना, निखिल को बोल रही हूं मैं। यस अब सुनाओ अविका। मेरा नाम है अविका गुप्ता, मैं क्लास फर्स्ट ए में पढ़ती हूँ, मेरा कविता का नाम है तोता। यस मिट्टू मिट्टू तोता डाली ऊपर तोता, हरी मिट्टी खाता राम राम बोलता। और आगे भी है क्या? नहीं मैम। यस इसके बाद है अब अविका के बाद अयाति शुक्ला। यस मैम। यस बेटा अब आपको बोलना है। माय नेम इज अयाति शुक्ला फर्स्ट बी चिड़िया, एक एक तिनका जोड़ कर चिड़िया अपना घर बनाती है, धूप हवा बारिश से अपना परिवार बचाती है, छोटे मेहनत से तुम ना घबराना हमको ये सिखाती है, छोटे छोटे हाथों से बड़े काम कर जाती है, थैंक यू। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस बेटा, थैंक यू। ओके इसके बाद है अब अविका के बाद भूमिका। यस मैम। यस बेटा अब आपका टर्न है, ठीक है। मेरा नाम भूमिका है। शौर्य अभी नहीं बेटा है ना। मेरा कहानी है, मेरी कविता है मछली की रानी, मछली घर की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाएंगे तो डर जाएगी, बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। यस वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी सुनाई भूमिका, लेकिन ये हमारे बहुत छोटे थे ना हम लोग तब याद करते थे, तो कोई और भी कविता आप याद कर लेना, ठीक है। सुनाया तो आपने बहुत अच्छे से, लेकिन कोई दूसरी कविता भी याद करना है, ठीक है। अभी हम बड़े हो गए ना, थोड़े 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 बड़े होते जा रहे हैं, तो हम थोड़ी नई नई कविता याद करेंगे, ठीक है। ओके ओके बेटा, के बाद है भूमिका के बाद धैर्य बंजन। धैर्य बात करो। यस बेटा साईराम। साईराम मैम। साईराम बेटा अभी अपना वीडियो खोलो बेटा, वो अपने आप हो जाता है, अपना वीडियो खोल लो बेटा धैर्य। यस वेरी गुड, अब सुना। यस हाँ दिख रहा है मुझे आपका फोटो दिख रहा है, बोलो पूरी याद नहीं हुई है। नहीं मुझे पूरी याद नहीं है, थोड़ी है। अभी ऐसा करो जितनी है उतनी सुनाओ। हाँ, बस बस चलो धैर्य आप ऐसा करो
जेनिका, ठीक है धैर्य, अभी आपको बिल्कुल भी याद नहीं है ना, क्योंकि मम्मी बोल रही है फिर आप बोल रहे हो, इसलिए आप अब याद कर लेना, फिर मैं अमांडी को सुनूंगी आपसे, ठीक है धैर्य, लेकिन आप तैयार कर अच्छे से याद कर लेना, ओके बेटा, पूरे हाव भाव के साथ, एक्शन के साथ, ठीक है, यस वेरी गुड, थैंक यू बेटा, यस जेनिका बोलो क्या बोल रही हो आप, बेटा मैं लाइन से चल रही हूँ ना, सबकी सुनना है मुझे, किसी बच्चे को छोड़ूंगी नहीं, ठीक है, चांस आएगी, हेलो मैम, यस, अब बीच में आप लोग डिस्टर्ब करोगे ना तो फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा और आप लोगों की चांस भी नहीं आ पाएगी, है ना, इसलिए आप लोग बीच में ना बोलकर मैम जिसका नेम कॉल कर रही है वही बच्चे बोलेंगे, ठीक है, ओके प्रियल कुछ बोल रहा है बेटा, यस मैम, क्या बोल रहे हो बोलो, मैम मुझे एक और पोयम याद है नई वाली, हाँ ठीक है, अभी मैं बाद में सुनती हूँ जब आपको करना आता है, ठीक है, ओके यस, अब हम बुलाते हैं किसको धैर्य के बाद में, ए मैं से देवांशु जाटव, देवांशु, यस मैम, यस बेटा, मैम मेरा नाम देवांशु, मैं माँ के ऊपर एक कविता बोलने जा रहा हूँ, विवान जैन माइक बंद करो, हाँ वेरी गुड, प्यारी माँ खुशियाँ देती सारी माँ, चलना हमें सिखाती माँ, दुनिया में मंजिल हमें दिखाती माँ, सुनीता बोले माँ, दुनिया में अनमोल है माँ, खाना हमें खिलाती माँ, डोरी गाकर सुलाती माँ, प्यारी जगती न्यारी माँ, खुशियाँ देती सारी माँ, थैंक यू मैम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप एक्शन के साथ भी सुना सकते हैं, ठीक है ना, अपने हाथों के एक्शन और फेस पे थोड़ा एक्सप्रेशन भी लाना है, सारे बच्चों को बोल रही हूँ मैं ये वाली बात, बहुत अच्छे से सुनाया देवांशु ने, वेरी गुड, थैंक यू देवांशु, बहुत बढ़िया, यस, इसके बाद है अब हमारी गीतिका, गीतिका, गीतिका मीना, यस, ये कौन बोल रहा है, निखिल, हाँ आप बोल रहे हो कुछ, निखिल क्या बोल रहे हो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम को, मैम होमवर्क नहीं, क्या होमवर्क, अभी तो हम अपना कविता का कर रहे हैं, करना तो खत्म कर रहे हैं, यस बेटा कौन पूछ रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है, यस बेटा, यस अक्षर आ गया, अक्षर आपका नेम बोला था पहले तो आप गायब हो गए थे, चलिए अब अक्षर को बोल दो, पहले अक्षर आप सुनाओ कविता, बैठा था बंदर और भींग रहा था पानी के अंदर, थरथर थरथर कांप रहा था, कहाँ छुपूं, झांक रहा था, अच्छी 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 छींक रहा था, बैठा था डाल बंदर भींग रहा था पानी के अंदर, थैंक यू मैम, ओके वेरी गुड, अच्छे से याद कर लेना अक्षर, है ना, अभी थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत है उसको, ओके अच्छे से याद कर लेना, और ठीक है, चलिए अब आगे है गीतिका मीना, आगे बढ़ते हैं, युक्ता साई, जी यस मैम, यस बेटा आपका टर्न है, और जैसे मैम ने बताया है ना कि सारे बच्चों को अपना नाम, क्लास, टॉपिक जब खत्म हो जाती है
तो थैंक यू साईराम भी बोलना है, तो आपका पूरा कविता का अच्छे से प्रेजेंटेशन हो जाएगा, है ना। सारे बच्चों को बता रही हूँ। यस, मेरा नाम है जी युक्ता साई, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती हूँ और आज मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ। का नाम है मम्मी पापा। मम्मी है मेरी प्यारी, दुनिया से है न्यारी, पहनती है वो साड़ी, प्यार करती ढेर सारे। पापा भी है प्यारे, दुनिया से है न्यारे, दया लाते सारे, प्यार हो जो हमारे। धन्यवाद साईराम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया युक्ता ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। वेरी गुड युक्ता, थैंक यू बेटा। यस, इसके बाद है, बस हमारा एक बच्चे का ही और हो पाएगा, एक दो बच्चों का। हर्षित डाऊ, हर्षित डाऊ, अभी एच चल रहा है अभी, हर्षित डाऊ। ओके, नो। यस, गरिमा जैन, गरिमा जैन। यस मैम। हर्षित डाऊ आ गया। ओके हर्षित, सुनाओ बेटा। माँ साईराम, मैम माय नेम इज हर्षित डाऊ, क्लास फर्स्ट बी। मेरी कविता का नाम है मेरे मन की उलझन। पापा कहते बेटा, टॉपिक का नाम फिर से बोलो। टॉपिक का, हाँ, शीर्षक का नाम बोलो क्या है। मेरी कविता का नाम है मेरे मन की उलझन। अच्छा, मन की उलझन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सुनाइए। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते तुम सीखो कंप्यूटर, चाचा बोलते प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुमने कलेक्टर। की अलग अलग विलासा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरी मन की उलझन कोई समझ ना पाता। यस, थैंक यू मैम, साईराम मैम। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा टॉपिक भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से याद करना है हर्षित, ठीक है ना। ओके, यस, वेरी गुड, थैंक यू हर्षित। के बाद है गरिमा जैन, गरिमा जैन। गरिमा जैन नहीं क्लास में। ओके, तो आज हमारा इतने बच्चों का ही हो पाएगा। अब हम मंडे को करेंगे, लेकिन बच्चों को और अच्छे से याद करना है, और जो मैंने बताया बेटा, अभी मंडे को सुना दूंगी। अभी सारे और बच्चों का मैं मंडे को करूंगी, अब क्योंकि थोड़े थोड़े बच्चों का हो पाएगा। सारे बेटा अभी हम मंडे को सुनेंगे नहीं, सारे बच्चे बोलेंगे कि मुझसे सुन लीजिए मैम, मुझसे सुन लीजिए, तो अभी हमारा टाइम हो गया है और हो नहीं पाएगा। फिर जल्दी में सुनना अच्छी बात नहीं है, बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारी की, मेहनत की, फिर मैम जल्दी जल्दी सुन लेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि बच्चों ने इतनी मेहनत की और मैंने जल्दी जल्दी सुन ली। नहीं, ऐसे नहीं, बड़े इंटरेस्ट के साथ आप भी सुनाओगे और मैम भी सुनेंगी, है ना, ठीक है। इसलिए अब हमारा टाइम हो रहा है और मंडे को सारे बच्चों को बहुत अच्छे से याद करना है, अपना नेम, क्लास, टॉपिक, है ना, और कविता को भी बिना देखे बोलना है, देखकर नहीं पढ़ना है। मम्मी को ना आपको बोलना पड़े, आपको पेपर से ना बोलना पड़े, और एलकेजी यूकेजी वाली नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ, जो आपने एलकेजी यूकेजी में याद की थी ना, वो वाली पोएम नहीं बोलना है, दूसरी वाली याद करो, आपके पास टाइम है। अभी देखो सैटरडे संडे दो दिन और है, अभी तो पूरा फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, फिर संडे है,
तो आराम से आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी, जिन बच्चों ने सुनाई है आज कविता, वो बच्चे भी, जिन बच्चों ने थोड़ा रुक रुक कर बोला या अच्छे से नहीं बोल पाए, कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से याद नहीं हुई है, वो उनको और अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज हम अपनी क्लास को शांति पाठ के साथ में यही खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो माइक बंद कर लेते हैं। साइरन बेटा, अब आप लीव कर सकते हो, मीटिंग लीव कर सकते हो आप लोग। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम, बाय मैम। बाय बाय, लीव कर दीजिए बेटा, मीटिंग लीव कर दीजिए।